हेलो दोस्तों, देसी कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो एमपी टेट की परीक्षा हो रही है प्राइमरी शिक्षक की, उससे रिलेटेड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ग्रामर, और बहुत ही यूजफुल होगी। और ये जो क्वेश्चन है ये भी व्यापम ने जो पहले लिए थे पेपर, यानी अब वो पीवी हो गया है, तो पीवी ने जो पेपर लिए थे वो पेपर मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, जो पीवी के द्वारा पूछे गए हैं, ओल्ड पेपर्स हैं ये, ठीक है। इसमें ग्रामर के साथ साथ मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा, और इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपको इंग्लिश आनी है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, नॉट ओनली फॉर एमपी टेट बट आल्सो ऑल अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास को। पहला सेंटेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोज इन सेंस टू द वर्ड टिमिड, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि इस टिमिड का बहुत ही क्लोज सेंस वाला वर्ड बताओ, यानी कि हमें यहाँ पर पूछा गया है आपका सिमिलर वर्ड, किस तरह का वर्ड आपको बताना है, सिमिलर यानी सीधे सीधे बोलें तो सिनोनिम्स बताना है इसमें आपको, ठीक है। आपको यहाँ पर सिनोनिम्स बताना है कि टिमिड का सिमिलर वर्ड क्या होगा। ऑप्शन है पहला क्रूल, सेकेंड है फुलिस, थर्ड है काम एंड नेक्स्ट है कोवर्डली। तो टिमिड मीन्स होता है डरपोक, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊँ टिमिड क्या होता है, डरपोक होता है, ठीक है। अब आपको इसका बताना है सिमिलर वर्ड, और कमेंट करके आप सब लोग बताते जाइए, लास्ट में टोटल स्कोर बताना है कि कितना स्कोर आया है आपका और कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं इसमें। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा टिमिड का ऑप्शन नंबर डी, कोवर्डली। कोवर्डली मीन्स भी होता है डरपोक, एंड टिमिड मीन्स भी सेम होता है, क्रूल मीन्स निर्दयी होता है, फुलिस मीन्स मूर्ख होता है, एंड काम मीन्स होता है शांत। तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस सेकेंड, यानी 22 नंबर का 122, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज बीन करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि यहाँ पर ये चार वर्ड दिए गए हैं, ये बताना है कि कौन सा वर्ड इसमें सही करेक्ट है, डिफरेंस, ड्राइविंग, थॉट या टॉट, कौन सी स्पेलिंग है ये बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, तो पहला जो वर्ड है डिफरेंस, डिफरेंस की स्पेलिंग गलत है, डी आई डबल एफ आता है, ड्राइविंग की स्पेलिंग गलत है, थॉट की स्पेलिंग गलत है, टी एच ओ यू जी एच टी होता है, टॉट की स्पेलिंग आपकी दोस्तों राइट है, टॉट की करेक्ट स्पेलिंग है। इसके अलावा ए बी सी तीनों ऑप्शन आपके जो स्पेलिंग हैं वो आपकी रॉन्ग हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि इन तीनों की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है वो है 123 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज इन इट द आर्टिकल एन करेक्टली यूज्ड, यानी यहाँ पर जो फोर सेंटेंस है यहाँ पर बताना है कि इन चार सेंटेंस में से करेक्ट आर्टिकल किस में प्रयोग किया गया है ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, सी इज एन एम पी फ्रॉम यू पी, दिस इज एन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेट रेप्यूट, दे हैव रूम्स इन एन यूनिट हाउस, योर ब्रदर इज ए ऑनरेबल पर्सन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, पहला जो सेंटेंस है हमारा वो है सी इज एन एम पी, तो एम पी से पहले आर्टिकल लगा हुआ है एन, तो एम पी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब इसका अब्रिवेशन फॉर्म लिखा जाता है तो इससे पहले हमेशा एन आर्टिकल का ही यूज किया जाता है, यानी ये आपका सेंटेंस राइट है, पूछा भी राइट ही गया है, बट हम तीनों सेंटेंस और देख लेते हैं। दिस इज एन यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी का जब भी प्रोनंसिएशन किया जाता है तो ये आपका साउंड आता है या से, एंड या किससे बनता है, बाई से, और बाई क्या होता है आपका कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट से पहले यूज किया जाता है ए आर्टिकल, तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, तो ये होना चाहिए था दिस इज अ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेट रेप्यूट। नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर में, दे हैव रूम्स इन एन यूनिक हाउस, तो यूनिट का भी प्रोनंसिएशन या से ही होता है और या बाई से बनता है, बाई कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी आपका एन आर्टिकल रॉन्ग है, यहाँ पर भी ए आर्टिकल का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट डी नंबर का, योर ब्रदर इज ए ऑनरेबल पर्सन, तो ऑनरेबल में आपका एच होता है साइलेंट और प्रोनंसिएशन आता है इसका ओ से, ऑनरेबल है ना, एच साइलेंट होता है, ओ से प्रोनंसिएशन आता है तो वॉवेल साउंड से आता है, तो यहाँ पर आपको यूज करना चाहिए था एन, तो ये भी आपका रॉन्ग, यानी कि बी सी डी आपके ऑप्शन रॉन्ग है, एंड ए वाला सेंटेंस जो है वो बिल्कुल आपका राइट लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है आपका सेंटेंस,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन ऑल रेस्पेक्ट करेक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट, ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा सेंटेंस सही लिखा हुआ है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, देखते हैं कि दे डू नॉट केयर फॉर एनी बडीज एडवाइस, वी आर इन नो वे इन्फीरियर देन देम, माई फादर हैज बीन इल फ्रॉम लास्ट मंडे, आई एम सीनियर टू यू बाई 2 ईयर्स। तो आप जल्दी से कमेंट करके इतना बता दीजिए कि इन 4 सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस राइट है। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं, दे डू नॉट फियर फॉर एनी बडीज एडवाइस। तो यहाँ पर जो एनी बडीज एडवाइस है, एडवाइस आपका जो नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पर एडवाइस को प्लूरल बना दिया गया है, ठीक है। तो पहला वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग है, और यहाँ पूछा क्या गया है करेक्ट कौन सा है। सेकंड, वी आर इन नो वे इन्फीरियर देन देम, मैं कई बार क्लासेस में ये बता चुका हूँ, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, प्रायर टू, सीनियर टू, तो इनके बाद टू प्रपोजिशन का प्रयोग होता है ना कि देन का, तो ये भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है, माई फादर हैज बीन इल फ्रॉम लास्ट मंडे, यहाँ पर फ्रॉम के बजाय सिंस प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, तो ये भी आपका रॉन्ग है। आई एम सीनियर टू यू बाई 2 ईयर्स, तो सीनियर के बाद 2 का यूज किया जाता है, डी आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर ही बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। सेंटेंस है, लता हैज नॉट डिक्लियर्ड हर डाउट्स सॉरी डेब्ट्स, आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट, मोहन एंड रमा हैव अर्न्ड मोर देन 60 करोड़ दिस ईयर, एंड माई फादर हैज बीन बिजी राइटिंग ए नोवेल सिंस 2010। यहाँ पर आप ये बताइए कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो कौन से केस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले हम देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद आपको एक्जुलरी वर्ब हैज और हैव, इसके बाद बीन, एंड वर्ब में आईएनजी, इस तरह से सेंटेंस हमारा लिखा जाता है। अब हम चारों सेंटेंस को देखें तो हैज बीन, हैव बीन और वर्ब में आईएनजी यहाँ पर यूज है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा इसमें वो होगा डी वाला, My father has been busy writing a novel since 2010. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा सेंटेंस है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज ए करेक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशन, यानी यहाँ पर किस सेंटेंस में सही प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस है, यू आर नॉट अलाउड टू इंटर इन टू माई हाउस, सी विल नेवर अधेयर विद हर शेड्यूल, माई फादर डज नॉट केयर ऑफ हिज फैमिली, हर मदर इज ओबीडियंट टू हर हस्बैंड। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, करेक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशन बताना है, कहाँ पर प्रपोजिशन सही तरीके से प्रयोग है। तो पहले वाले सेंटेंस को जब हम देखें तो यहाँ पर इंटर के बाद इनटू प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया है, जबकि इंटर के बाद इनटू प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, आप इसे याद कर ले, यानी यहाँ से इनटू को हमें हटाना होगा तभी ये सही हो रहा है, यानी पहला सेंटेंस में प्रपोजिशन सही यूज नहीं है। सेकंड है, सी विल नेवर अधेयर विद हर शेड्यूल, ये फिक्स प्रपोजिशन है, अधेयर के बाद विद प्रपोजिशन नहीं आता है, यहाँ पर टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, तो बी सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है, माय फादर डज नॉट केयर ऑफ हिज फैमिली, टेक केयर जब भी वर्ब यूज होती है तो इसके बाद ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, लेकिन केयर के बाद 4 प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऑफ के स्थान पर हमें यूज करना चाहिए था 4। तो आपका पहला, सेकंड एंड थर्ड तीनों सेंटेंस रॉन्ग है। एंड हिज मदर इज ओबीडियंट टू हर हस्बैंड, ओबीडियंट इज ऑलवेज फॉलोड बाय 2 प्रपोजिशन या ओबीडियंट टेक्स 2 प्रपोजिशन, ठीक है। तो ये जो डी नंबर का सेंटेंस है ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, Which of the following sentences has not used in correct method of narration? ये बताना है कि यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किस सेंटेंस में सही आपका नरेशन का मेथड नहीं है। चलो देख लेते हैं, She said that she will realize her dream.
आई टोल्ड देम दैट माई हेल्प वुड बी अवेलेबल टू देम एट ऑल हावर्स. यू सैड दैट यू वुड कम आउट विक्टोरियस. ही टोल्ड मी दैट हिज विजिट टू अलाहाबाद वाज सर्टेन. ओके, तो सबसे पहले हम देखें ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है. जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही होती है. तो सबसे पहले तो यही कि यहाँ पर वुड का यूज होना चाहिए था, तो पहला सेंटेंस ही आपका रॉन्ग है. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ए राइट होगा. चलिए आगे और देख लेते हैं. अपना बी है, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच भी आपकी पास्ट में लिखी हुई है. ये भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच ये सारी चीज़ें राइट हैं. ये भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और ये भी आपकी पास्ट में है. और अभी यहाँ पर इतना ही फोकस कर रहे हैं, हालांकि जो काफ़ी चीज़ें होती हैं नरेशन में समझाने के लिए. चलिए नेक्स्ट आगे सेंटेंस देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इनमें से कौन सा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ओके, तो सेंटेंस है पहला, राकेश डज नॉट बोदर अबाउट हिज गेंस. एंड सेकेंड है, आई एम ऑल फॉर द ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट पीपल. मे ही लिव लॉन्ग. वाट हैव यू टू से रिगार्डिंग योर परफॉर्मेंस इन द डिबेट. कैसा सेंटेंस बताना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानना सबसे सिंपल तरीका, क्वेश्चन मार्क लास्ट में होगा, ठीक है. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनते हैं, एक होते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, एक होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन. जो यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और जो डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन होते हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हू, विच, इस तरह से. और यहाँ पर देखिए सभी में फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विशेष वाला है, ठीक है. तो जो राइट ऑप्शन हो रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से वो हो रहा है डी, व्हाट हैव यू टू से रिगार्डिंग योर परफॉर्मेंस इन द डिबेट. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कन्वे द सेंस सैडनेस. कन्वे द सेंस सैडनेस, यानी कि सिमिलर वर्ड बताना है सैडनेस का क्या होता है. फोर ऑप्शन है, मेलंकली, होलीनेस, डिससेटिस्फिकेशन या स्केयर्डनेस. तो इसका जो राइट ऑप्शन हो रहा सैडनेस का राइट ऑप्शन हो रहा है वो हो रहा मेलंकली. दोनों सिमिलर वर्ड है. मेलंकली मोस्टली लिटरेचर में यूज किया जाता है, इंग्लिश लिटरेचर में आपको काफ़ी जगह पर ये लिखा हुआ मिल जाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स ग्लूमी. ग्लूमी मीन्स होता है सैड से रिलेटेड अर्थ है, ठीक है. देन ग्लूमी मूड होता है, मेलंकली मूड होता है, सैडनेस, लगभग सिमिलर हैं ये तीनों, दोनों क्वेश्चन ऊपर नीचे के. फिर भी देखते हैं कि हमें क्या बताना, सिमिलर वर्ड बताना है, ठीक है. डिप्रेसिंग, अनहेल्दी, अनक्लियर या सफरिंग. तो ग्लूमी मीन्स होता है डिप्रेसिंग. जो राइट ऑप्शन हो रहा है इसका वो होगा फर्स्ट वन. एंड नेक्स्ट सेंटेंस है वो है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कन्वे द आइडिया ऑफ फ्रीडम. फ्रीडम का आइडिया किसमें है, यानी कि हमें फ्रीडम का सिमिलर वर्ड बताना है यहाँ पर. डिसहार्मनी, डिस्टर्ड, टायरनी या इंडिपेंडेंस. तो जो सिमिलर वर्ड हो रहा फ्रीडम का वो हो रहा इंडिपेंडेंस, मीन्स ही होता है आज़ादी, फ्रीडम मीन्स भी होता है. तो राइट ऑप्शन हो रहा यहाँ पर डी. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन मिस स्पेल्ड. यहाँ पर जो फोर वर्ड दिए गए हैं इसमें ये बताना है कि कौन सी स्पेलिंग मिस स्पेल्ड है. पहली है राइटिंग, एंड कमिंग, फ्लाइंग एंड कैचिंग. तो सबसे पहले देखिए राइट का में जब हम भी आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो इसमें डबल टी नहीं आता, सिंगल टी आता है. तो यहाँ पर ये पहला ही ऑप्शन राइट है, तो क्वेश्चन के हिसाब से पहला राइट है और सारी स्पेलिंग ये राइट लिखी है, लेकिन फर्स्ट वन की जो स्पेलिंग है ये वाली वो मिस स्पेल्ड है. तो राइट ऑप्शन हो रहा है इसका ए. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड. यहाँ भी बताना है कि कौन सी स्पेलिंग सही नहीं है, ठीक है. बिगनिंग, रनिंग. नेक्स्ट है ड्यूल्डिंग, एंड ये है आपकी क्रॉनफरिंग. तो इसका जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा फर्स्ट वन, क्योंकि बिगिनिंग में जब भी हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं या हम ये कहें वन सिलेबी जो वर्ड होता है उसमें लास्ट का जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है जब आईएनजी फॉर्म लगाते हैं. तो बिगिनिंग की जो राइट स्पेलिंग होगी वो होगी डबल एन आईएनजी, तो ये राइट होगी. तो मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, ए वन. तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए. यदि पसंद आए तो दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हों तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर करें. वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.